पाठ क्रमांक 31 आपलं वाचनालय। प्यारे बच्चों, आपलं वाचनालय ये एक मुकालमा यानी संवाद है। इसके माने होते हैं बातचीत, कन्वर्सेशन के। बच्चों, इस मुकालमे में दो दोस्तों के दरमियान बातचीत बताई गई है। इस तस्वीर को बगौर देखिए। सुहास एक बच्चा है, इसके वालिद की ये रद्दी की दुकान है जहाँ बैठा सुहास कुछ काम कर रहा है। तभी उसका दोस्त अतुल वहाँ आता है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि सुहास और अतुल के दरमियान क्या बातचीत होती है, उसे बगौर सुनते हैं और समझते हैं। अतुल मनाला, ए सुहास, चलना रे खेड़ाला। अतुल जो सुहास का दोस्त है वो आया है सुहास को बुलाने के लिए और क्या कह रहा है, चलना रे खेड़ाला, यानी चलना खेलने के लिए। खेड़ के मानी होते हैं खेल। सुहास मनाला, थांबना रे जरा, ह्या पेपरमध्ये किती छान माहिती छापून आली आहे, ह्या माहितीचं कात्रण कापून घेतो मग जाऊया ना खेळायला। सुहास अतुल से कहता है, थांबना रे जरा, थोड़ा रुकना, ह्या पेपरमध्ये किती छान, इस पेपर में कितनी अच्छी माहिती, माहिती के माने होते हैं मालूमात, माहिती छापून आली आहे, यानी कि इस पेपर में कितनी अच्छी मालूमात छपकर आई है। ह्या माहितींचे कात्रण कापून घेतो, यानी ये जो मालूमात, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी मैं कतरण काट लेता हूँ। मंग जाऊ या ना खेड़ायला, फिर चलते हैं ना हम खेलने के लिए। अतुल मनाला, तू एवढ्या कातरणाचा करतोस तरी काय। अतुल सुहास से विचारता है, यानी कि पूछता है, ये जो तू इन्फॉर्मेशन, ये जो मालूमात तू कट कर रहा है इसका तू क्या करेगा। सुहास मनाला, अरे वर्तमान पत्रात छान छान कविता, चित्रकथा, गोष्टी, कोळी, पशु पक्ष्यांची माहिती येते, ती मी कापून वहीत चिटकवतो, मॅडमनं सांगितलेले प्रकल्प पूर्ण होतो। सुहास कहता है कि वर्तमान पत्रांत यानी कि अखबार में अच्छी अच्छी नज़में, तस्वीरी कहानियाँ, पज़ल्स और चरिंद परिंद की माहिती यानी कि मालूमात आती है, उसे मैं काट कर बयाज में चिपकाता हूँ। टीचर का कहा गया प्रकल्प यानी कि प्रोजेक्ट पूरा होता है। अतुल मनाला, अरे वाह चानच। ये सुनकर अतुल कहता है, यानी कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुहास मनाला, अरे एवढेच नाही, काही वेळा रद्दीमध्ये कवितांची, गोष्टींची चांगली पुस्तके येतात, ती मी बाजूला काढून ठेवतो। सुहास कहता है, कभी कभी रद्दी में अच्छी अच्छी किताबें आती है, पुस्तक यानी कि किताब, ती मी बाजूला काढून ठेवतो, वो मैं क्या करता हूँ, रद्दी में जाने नहीं देता बल्कि उसे बाजू में निकाल कर रख लेता हूँ। अतुल मनाला, त्या पुस्तकांचा तू काय करतोस। अतुल पूछता है कि तू उन किताबों का फिर क्या करता है। सुहास मनाला, त्यांचा मी एक वाचनालय तैयार केला आहे, चल माझ्या घरी, मी तुला दाखवतो। सुहास कहता है, मैंने उन पुस्तकों को जमा कर कर एक वाचनालय यानी कि लाइब्रेरी तैयार की है, चल माझ्या घरी, मेरे घर चल, मी तुला दाखवतो, मैं तुझे बताता हूँ। ते दोगे सुहासच्या घरी येतात। फिर वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, सुहास के घर जाते हैं। त्याच वेळी मीना ही तिथे येते, उनकी एक और दोस्त जो कि मीना है वो भी वहाँ पहुँचती है।